हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में बिल्कुल स्पेसिफिक बातें हम लोग करेंगे। झारखंड 26,001 शिक्षक भर्ती में अब नया मोड़ क्या आ गया है, हाईकोर्ट ने क्या बहुत बड़ा झटका जो है नए विद्यार्थियों को दिया है, जो नए जेटेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को दिया है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी तसल्ली से मैं बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। 14 नवंबर चिल्ड्रेंस डे है आज, और आज ही जो है हाईकोर्ट का एक बड़ा झटका जो है नए विद्यार्थियों के लिए लगा है। सीटेट जेटेट कंडक्ट कराने की बात क्या है, नहीं है, और हाईकोर्ट का क्या वो पुराना डिसीजन आ चुका है जिसमें जेटेट या फिर नए जेटेट की कराने की बात की जा रही थी और नए सीटेट या फिर सीटेट को वैलिडिटी देने की बात की जा रही थी, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं आपके ओपिनियन की ओर थोड़ा बढ़ूंगा। मुझे पता है, मुझे बस जानना है कि कितने लोग जो है अभी भी जो है एक्टिवेट है अपने हक को लेकर, अपने जागरूकता को लेकर। देखिए, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है क्या आप जेटेट 2016 वाले को डायरेक्ट भर्ती देना चाहते हैं, तो जेटेट 2016 लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि जेटेट 2023 कंडक्ट कराया जाए तो जेटेट 2023 लिखिएगा। और लग रहा है कि आपको नहीं, पारा टीचर ही सबसे अच्छा है, और अगर आप पारा टीचर हो तो पारा टीचर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको डिटेल से बताता हूं। सबसे पहली बात, जेटेट 2023 का क्या हुआ वगैरह वगैरह सारी जानकारी हम लोग देंगे। उससे पहले जेटेट 2016 का और 13 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 1-5, 6-8 विथ आंसर की आपको मिल जाएगा। जिन्होंने जेटेट की परीक्षा अभी तक नहीं दी है, यू मस्ट नो द पैटर्न। आपको जो है पैटर्न जानने की बहुत जरूरत है। पैटर्न अगर आप जान लोगे, समझ लोगे, परख लोगे, तो आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली यू विल डू योर बेस्ट, आप अपना बेस्ट दे पाओगे। इसके लिए क्या करना है, यहां से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रहा होगा, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। मुझे पता है बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हैं और बहुत सारे लोग जो है ईमेल आईडी भी नहीं करते हैं। देखिए, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं, एडल्ट हो चुके हैं, नए नए बच्चे हैं, उनसे जो है आप मदद ले सकते हो। किसी से भी कुछ भी जानने में हर्ज नहीं है, ईमेल कर लीजिए। आपको जो है 70 रुपीज में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा दिया जाएगा। जिन्हें जरूरत है वो ले सकते हैं। ये मेरे दाल रोटी का इंतजाम हो गया। अब आज के खबर की जो है हम लोग पोस्टमार्टम कर लेते हैं कि क्या खबर आई हुई है। सबसे पहले मैं आपको जो है स्क्रीन को वेट ए मिनट सीधे लेकर चलता हूं। यहां से देखो, यहां पे क्या इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, यहां पे आपको दिख रहा होगा, वेट, बिल्कुल आसानी से ये देखो। सबसे पहले डेट आपको दिख रहा होगा 14/11/2023, झारखंड उच्च न्यायालय की जो गेट नंबर 1 है उसकी फोटो आपको यहां से दिख रही होगी। सहायक आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार। हाईकोर्ट ने कह दिया ये विज्ञापन पर रोक नहीं लगेगी, और जो जैक सचिव हैं उनको जो है प्रतिवादी बनाया गया है। पूरी खबर अब आपको यहां से मैं पढ़कर समझा देता हूं कि अभी क्या होने वाला है। आप समझ रहे होंगे कि क्या ये जेटेट को लेकर निर्णय है, तो मैं कहूंगा नहीं। जेटेट को कराने या फिर सीटेट को वैलिडिटी देने की बात जो है इसमें नहीं की गई है। तो ये खबर क्या है वो आपको मैं बता देता हूं। अभी भी जेटेट 2023 होने की उम्मीद बची हुई है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, झारखंड हाईकोर्ट का निर्णय जो है सुरक्षित रखा गया था, रिजर्व रखा गया, तो उस पर अभी कोई बात नहीं हुई है और उस पर जो है हम लोगों को झटका नहीं मिला है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब जो है आपको यहां से दिखेगा कुछ और बातें। चलिए मैं आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके न्यूज की ओर दिखा देता हूं। इन्हें नहीं देखना है, ये एडवर्टीजमेंट है। यहां पे देखो, ये वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट आया हुआ है। सहायक यहां से आपको देखना है, देखो ये जो मैंने सर्कल जो यहां पे मैंने शेप बना दिया है, इसको आपको देखना है। सहायक आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन को चुनौती देने वाली मनी लॉग एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट में हुई ये सुनवाई। हाईकोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं जिनका नाम है राजेश शंकर, उन्होंने कोर्ट में जो है बातें बताई कि प्रार्थी की हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई करते हुए सहायक आचार्य के विज्ञापन 13/2023 इसको लेकर जो है बातें की गई और इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब आप पूछोगे ये जो बातें हैं इन्होंने क्या कहा था जिसको इसको लेकर जो है हाईकोर्ट जो है उखड़ गया और उसने जो है रोक लगाने से मना कर दिया। तो यहां से आप देखो, दरअसल झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि जिसे आप GSSC के नाम से जानते हो, प्राथमिक स्कूलों में सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर विज्ञापन निकाला था। आपको ये बात पता है। मामले में कोर्ट ने जैक के सचिव को प्रतिवादी बनाते हुए 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई कब होगी, 2024 में होगी, जनवरी के दूसरे सप्ताह में, यानी कि कुल मिलाकर अब जो है 28 दिन का वक्त इनको मिल चुका है, यानी कि बहुत सारा समय इनको मिल चुका है। आगे देखिए क्या बातें ये कही गई है। देखिए,
ये पे स्केल का मामला है, नीचे आप पढ़ोगे तो देखिए सहायक आचार्य के विज्ञापन 13/2023 को चुनौती देते हुए प्रार्थी ने सहायक आचार्य के पे स्केल एवं अन्य बातों पर उठाया था। देखिए इस बात पे ना जेटेट जो नया कंडक्ट कराना चाहते हैं पारा टीचर 2023-16-13 कोई भी हो, झारखंड के जो भी नागरिक हैं या बाहर के जो भी जिनको अगर राज्य सरकार चाहती है कि शामिल किया जाए, सभी लोगों के लिए ये खबर है। यहाँ पे सैलरी बहुत कम कर दी गई है 1-5 और 6-8 के लिए। अब इसी को लेकर इन्होंने कोर्ट में जो है मामला दायर किया था कि कोर्ट में जो है इस फैसले को पलटा जाए और सैलरी बढ़ाई जाए। अब आगे देखिए सहायक शिक्षक के पद की बजाय, देखिए पहले झारखंड में जो है असिस्टेंट टीचर कहा जाता था यानी कि सहायक शिक्षक हिंदी में, अब उनको सहायक आचार्य पद जो है किया गया है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, 2016 में सरकार ने टेट परीक्षा आयोजित की थी लेकिन यह परीक्षा सहायक शिक्षक पद के लिए थी। इनका कहना है कि यह सहायक शिक्षक पद के लिए थी, अब सहायक आचार्य के लिए जो है आप ये नियुक्ति क्यों निकाल रहे हो, सहायक आचार्य के लिए आप ये नियुक्ति क्यों निकाल रहे हो और सैलरी क्यों घटा दी आपने, इसको लेकर ये हाईकोर्ट गए हुए थे। अब देखिए बाद में पद का नाम जो है सहायक आचार्य कर दिया गया और इसका पे स्केल भी सहायक शिक्षक के पे स्केल से कम कर दिया गया, इसको लेकर बातें हुई थी। अब सहायक शिक्षक का नया पद बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है, इसलिए सहायक आचार्य की नियुक्ति विज्ञापन पर रोक लगाई जाए। मामले में जीएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और राकेश रंजन एवं प्रार्थी की ओर से ललित कुमार सिंह ने पैरवी की थी। तो अब क्या होगा, अब यही होगा कि इस पे जो है इन्होंने कहा कि भैया रोक लगाओ विज्ञापन पे, ये तो हुआ नहीं, यानी कि अभी भी सी टेट को वैलिड किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप और हम किस खेत के मूल हैं, हमें भी जो है इस पे कायम रहना चाहिए। क्लियर है, देखिए इसको लेकर जो है किसी भी तरह का कोई बात नहीं है, ये तो क्लियर है पहली बात। दूसरी बात, क्या जेटेट 2023 या 24 का आयोजन किया जा सकता है, हाँ इस पे जो है फैसला सुरक्षित है और इस पे सबसे बड़ा निर्णय है, बहुत सारे और भी हाईकोर्ट में जो है निर्णय लंबित है लेकिन इस पे जो है सब सुनवाई हो चुकी है, सिर्फ फैसला आना बाकी है। फैसला जो है इस पे कभी भी आ सकता है, किसी भी दिन जो है रेंडमली जो है न्यायाधीश जो है वो अपना फैसला सुना सकते हैं। तो होपफुल रहिए और अपने जिस भी आराध्य को आप मानते हो, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप जिस भी देवता में, जिस भी भगवान में, गॉड में, अल्लाह में बिलीव करते हो, प्रार्थना कीजिए। पॉजिटिविटी में बहुत ताकत होती है, एक बार जो है प्रार्थना कीजिए, मंदिरों में जाइए, उनसे जो है शांति मन से सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए और हो सकता है कि हाईकोर्ट हमारी बात को सुने समझे और हमारे हक में जो है फैसला आए। वीडियो यहीं तक रहेगी और जैसे आगे कोई और भी डेवलपमेंट आती है डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो एंड आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। मिलते हैं किसी और वीडियो में, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, हैव अ गुड डे।